लोगो प्लेसमेंट। हमारी कंपनी में हम जो इन हाउस वीडियोस बनाते हैं उनका ताल्लुक हमारे किसी न किसी प्रोडक्ट से है, और अगर प्रोडक्ट से नहीं है तो वो वीडियो फिर रिहान साहब की है। हमारी कंपनी में हम रिहान साहब के लिए भी वीडियोस बनाते हैं, हमारी कंपनी में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनके लिए भी वीडियो बनाते हैं। सो जब कोई वीडियो आपके पास आएगी तो सबसे पहले आप उस वीडियो को सुनेंगे, या तो आप उस वीडियो के बारे में अपने लाइन मैनेजर से बात कर लेंगे कि सर ये वीडियो किस टॉपिक पर है, यानी कि ये वीडियो आया इसका ताल्लुक रिहान साहब की वीडियो से है, इसका ताल्लुक हमारी कंपनी के किसी प्रोडक्ट से है, या ये वीडियो किसी गेस्ट की है, तो इस वीडियो में हम कौन सा लोगो प्लेस करेंगे, इसका इनिसार इन्हीं चीज़ों से है। अगर रिहान साहब की वीडियो वो है तो रिहान साहब के लिए ये लोगो आप देख सकते हैं, ये रिहान साहब का लोगो है, ये रिहान साहब का लोगो प्लेस किया जाएगा। ये वीडियो अगर किसी प्रोडक्ट की है तो हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें DIDX है, उसमें वर्चुअल फोन लाइन है, उसमें $100 इंटर्न है, उसमें रिहान स्कूल है, उसमें रिहान ट्रेनिंग है, ये तमाम हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये हमारी NGOs हैं, ये रिहान फाउंडेशन का लोगो है। सो अगर कोई वीडियो किसी 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 प्रोडक्ट की हो, फाउंडेशन की हो, रिहान साहब की हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसका तायुन कर ले कि वो वीडियो किसकी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिहान साहब के लिए लोगो अलग है, फाउंडेशन की वीडियो है तो उसके लिए ये लोगो आएगा। एजुकेशन पर्पस के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है रिहान स्कूल, उसकी उसका लोगो ये है। इसी तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है $100 इंटर्न, उसका लोगो ये है। हमारा प्रोडक्ट है DIDX, उसका लोगो ये है। हमारा प्रोडक्ट वर्चुअल फोन लाइन, उसका लोगो ये है। तो जो वीडियो होगी, अब बात आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, जो वीडियो होगी उसके लिए ये लोगो प्रेस किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि वीडियो रिहान अल्लाह वाला की हो और लोगो प्लेसमेंट जो है वो रिहान ट्रेनिंग की जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि वीडियो एक बार रेंडर हो जाती है, उसके बाद अगर हमने उसके अंदर एक डॉट का भी इजाफा करना होता है तो हमें पूरी वीडियो को रेंडर करना पड़ता है, ये तो बात आप सब एडिटर्स जानते हैं। लोगो वीडियो रेंडर करने से पहले आप ध्यान रखिए कि हमने सही प्रोडक्ट का लोगो अपने स्क्रीन पे पेस्ट किया है, स्क्रीन पे प्लेस कर दिया है। लोगो कहाँ प्लेस होगा? लोगो आपके स्क्रीन पे टॉप राइट पर होगा या टॉप लेफ्ट पर होगा। बॉटम पर हम लोगो नहीं लगाएंगे, लोगो हमेशा टॉप राइट पर है और टॉप लेफ्ट पर है। एक कंडीशन तो ये है। लोगो वीडियो के साथ बिल्कुल शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि शुरू में या तो टाइटल हो आ जाएगा अगर 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है, या वहाँ पे थंबनेल होगा। जब वीडियो प्ले हो जाए, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल रिहान अल्लाह वाला की वीडियो है, तो जब रिहान अल्लाह वाला बात करना शुरू कर दें तब जाकर वो लोगो अपियर होगा, डिजॉल्व इन हो जाएगा, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे स्क्रीन पर या तो टॉप राइट पर आएगा या फिर टॉप लेफ्ट पर आएगा। अब वो वीडियो जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जा रही है, वो लोगो वहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है। और जब वीडियो एंड हो रही हो, सो एंडिंग से थोड़ा पहले, लेट से 10 सेकेंड पहले, वो वीडियो फिर से डिजॉल्व आउट हो जाएगा, यानी कि वो फेड आउट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आखिर तक, जब किसी लोग एनिमेशन एनिमेशन की बात हम आगे करेंगे, एनिमेशन चल रही है तो वहाँ लगा देंगे, नहीं। मकसद कहने का ये है कि जो वीडियो है, जो वीडियो की लेंथ है, जो एक्चुअल वीडियो है रिकॉर्डेड, उसी लेंथ का वो लोगो प्लेस होगा, और वीडियो शुरू होने के बाद आएगा और वीडियो ख़त्म होने से पहले आएगा, यानी कि वो उसकी जो लाइफ है वो जब वीडियो प्ले हो जाएगी तब आएगी, और जब वीडियो एंड हो रही होगी उससे पहले वो वीडियो फेड आउट हो जाएगा। सो आई होप के लोगो प्लेसमेंट जो है वो क्लियर होगी आपके लिए। मिस नहीं कीजिएगा कोई वीडियो हमारी ऐसी नहीं जिसमें दोनों लोगो ना लगा हो, अनलेस के उसमें कोई कस्टम हिदायत ना आई हो कि ये इस वीडियो में लोगो नहीं लगाना। अलबत्ता हमारी तमाम वीडियोस में हमारी लोगो प्लेसमेंट होती है, लोगो हमारी आइडेंटिटी है, और एक हिस्सा ये भी है कि उस लोगो से कोई हमारे वीडियो को चोरी भी नहीं कर पाएगा। अगर वो रीअपलोड कर दे तो हमारी ब्रांडिंग साथ में हो रही होगी, क्योंकि एफर्ट हमारी है, कंटेंट हमारा है, हमारी मिल्कियत है। तो अगर वो रीअपलोड भी करेगा तो हमारी आइडेंटिटी उसके उसके साथ ज़रूर जाएगी, अनलेस कि उसको भी वो क्रॉप करके ना कुछ कर दे। आई होप कि ये आपके लिए क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।